हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ए का जो वैल्यू गिवन है 2a-3 और बी का जो वैल्यू गिवन है 5-3a। बी टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट 2a+b=6। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि ए का एक वैल्यू गिवन है, बी का भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, अच्छा वो ऐसा है, इस फॉर्मेट में है, 2a+b=6 फॉर्मेट में है। तो बताओ ए का वैल्यू कितना होगा। कुछ नहीं, बहुत ईजी सवाल है, इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो ए का वैल्यू कितना गिवन है, देखो जल्दी से देखो ए का वैल्यू कितना गिवन है, 2a-3। ठीक है, अच्छा बी का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 5-3a। यही सवाल है ना, ए गिवन है और यहाँ हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन कर दिया है। कितना गिवन किया है, 2a+b। यहाँ पर देखो यहाँ पर है 2a+b=6। ठीक है, बस हम ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे और हमारा स्मॉल ए का वैल्यू पूछा है, स्मॉल ए का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू चलो पुट करो, तो यहाँ पर 2a+b=6 गिवन है। ठीक है, तो बच्चों 2a को हम लिख सकते हैं, बच्चों 2 into a लिख सकते हैं हम, +b=6 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 2 into a, अब जो a है ये क्या है, ये देखो a का वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पर देखो a का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2a-3। ठीक है, कैपिटल a का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर लिया प्लस। अब कैपिटल b का वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है, तो कैपिटल b, यहाँ पर b की जगह हम लिख देंगे कितना, 5-3a = कितना हो गया, 6। बस ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4a-6+5-3a=6। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर a जो लाइक टर्म्स इसको पास में ले आओ, तो 4a-3। देखो मैंने LHS की तरफ ही पास में लाया है, मतलब अरेंजिंग किया, तो यहाँ पर कुछ साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर LHS से RHS कुछ जा नहीं रहा है या फिर RHS से LHS कुछ आ नहीं रहा है, वो LHS की तरफ ही इधर उधर हो रहे हैं। अब LHS एक ही साइड में इधर उधर अगर होंगे मतलब, तो वहां पर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4a-6+5-3=6 हो गया। तो यहाँ पर हम a को हमने पास में लाया, 4a ये हो गया -3 है, फिर ये जो नंबर्स हैं क्या, -6+5 इसको हम पास में लाते हैं =6, ये ऑलरेडी पास में ही थे। तो 4a-3 कितना हो जाएगा, a माइनस -6+5 कितना हो जाएगा, 6 से 5 गया, 1 बचा, ये -1 हो जाएगा =6। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू आया कितना आया बच्चों, ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6+1 हो जाएगा। a को अकेला रख, a का वैल्यू निकाल रहे हो ना, a को अकेला रखो, तो a का वैल्यू देखो 7 आ गया। हो गया सवाल, कितना इजी था। देखो अब हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y=1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होना चाहिए, चेक करो है कि नहीं, y=1 निकलना चाहिए, चेक करते हैं चलो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1.2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 3y-4, फिर -0.3, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है 2y-6=0। इसको सॉल्व करने से y=1 आना चाहिए, y का वैल्यू 1 आना चाहिए, क्योंकि बोला ना वाई इस ये मतलब y=1 जो सोल्यूशन है वो इसी इक्वेशन का है। ठीक है, इसका सोल्यूशन 1 निकलना चाहिए, चलो निकाल लेते हैं। इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, फ्रैक्शन में कर लो, कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/10, ये मल्टीप्लाई हुआ है 3y-4। पहले स्टेप में हम फ्रैक्शन जो डेसिमल को फ्रैक्शन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10, ये कितना हो गया, 2y-6=0। यहाँ तक सबको इम्प्लेसन देते चलो, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, सिंपल सा बात है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये 2.12/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा, 12/10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के साथ हो रहा है, 3y के साथ भी हो रहा है और -4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 12/3 36, 12/23 36, 36y/10 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ, 12/10 के साथ मल्टीप्लाई, पहले तो यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब रहा नंबर्स मल्टीप्लाई, 12/10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, चलो साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, हमें पता है 12/10 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ भी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, फिर इसको काटो,
एक काम करो बच्चों, हम एलसीएम लेंगे ना तो इसको ऐसे ही रहने, उसको काटो मत, ठीक है? जैसे ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 12 * 4 कितना हो जाएगा, 48 हो, लिख दो, काटो मत। देखो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम निकलना है ना, तो एलसीएम में 10 निकलेगा। अगर अलग अलग रख दो, काट दोगे तो फिर अलग अलग से मुझे अलग अलग से हमें लेना पड़ेगा, फिर उसका एलसीएम निकालो अलग अलग नंबर अगर आ गया तो। ऐसे ना, अगर दोनों का अगर बेस्ट देखो 36, यहाँ पर 36 / 10 है, अगर इसको मैं 10 रखूँ तो नेक्स्ट स्टेप, हमेशा एक स्टेप बारे में सोचना, नेक्स्ट स्टेप जो होगा मुझे एलसीएम लेने में आसानी होगी, ठीक है? तो इसको मैं डायरेक्टली मल्टी ऊपर से ऊपर ही मल्टीप्लाई, सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 * 4 कितना हो गया आपका, 48। तो यहाँ पर लिख दो 48 / कितना, 10 हो गया। देखो फिर इसको करो, इसको भी वैसे ही करना है, कितना हो गया 6y / 10। ये देखो ये प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो ये पहले साइन मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 * 3 = 18, 3 * 6 = 18, 18 / 10 हो गया इक्वल टू 0। अब ऐसा मैंने किस लिए किया, देखो 10, देखो सब सारे यहाँ पर 10 है, तो हमें मतलब एलसीएम लेने में आसानी होगी। देखो लंबा सा लाइन दे दो, एलसीएम हो गया 10। अब यहाँ पर 10 है सबका बेस, सबका डिनोमिनेटर देखो 10 है, सब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है, हमारे एलसीएम में 10 निकलेगा, देखो कितना आसान हो गया। तो ये हो गया आपका 36y - 48 - 6y + 18 = 0, 0 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? अब बढ़ते हैं हम थोड़ा नीचे, थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो तो यह सिंपल से बता, 0 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, या वैसे भी सोचो तो 10 यहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड है इस तरफ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा 36। अब ऐसे भी समझ सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप समझ सकते हो ऐसे भी, कि 0 के नीचे क्या है नंबर, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, 10 मल्टीप्लाई होगा 0 से और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि LHS की तरफ 10 क्या हुआ, डिवाइड हुआ है तो RHS की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36y - 48 - 6y + 18 = कितना, 0, ठीक है? 0 * 10 हो गया, आप समझ लो 0 * 10, 0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स पास में लाते हैं, ये हो गया आपका 36y - 48 + 18 = 0, ठीक है? अब 36 से 6 चला गया, कितना 30 बचा, तो 30y, अब 40 प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 * 8 = 0 हो गया ये रहा, और 4 से 1 गया 3 हो गया, ठीक है? हो गया आपका कितना, ये हो गया माइनस होगा 48 से, हाँ माइनस होगा, -30 = 0, ठीक है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। वाई का वैल्यू देखो 1 निकलेगा, देखो निकल जाएगा, देखो 30y = -30 उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर y = कितना हो जाएगा, 30 / 30, 30 / 30 कितना हो जाएगा, काट देना इसको, लिखना वाई को यहाँ पर, लिखना 1, ये 1 से कटा ना, 30 * 1 होता है 1, 30 * 1 होता है 30। तो ये हो गया आपका वाई का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 30, ठीक है? समझ में आ गया सबको, वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 30, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई का वैल्यू 30 नहीं, सॉरी 1 निकलेगा, वाई का वैल्यू 1 निकलेगा, सॉरी माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, क्या करें। सुबह 5:30 तो नहीं, 5 बजे से शूटिंग चल रहा है, अभी 9 बजने वाला है, तो थोड़ा भी माइंड थोड़ा भी ये हो जाता है। कोई बात नहीं, समझ गए बच्चों यहाँ तक, सिंपल से बात है, 30 30 कट गया, आंसर y = 1 निकला और क्या, ठीक है? चलो तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है? तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका आंसर पूछ रहा ना होगा कि नहीं, यस हम लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस हो गया, पूछ ना, चेक वेदर इट इज सोल्यूशन और नॉट, यस इट इज सोल्यूशन। अच्छा तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा ई खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाटा हैंडलिंग बच्चों मैंने स्टार्ट कर लिया है, डाटा हैंडलिंग का भी मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, सुबह से मैं डाटा हैंडलिंग का ही शूट कर रहा था, अभी मैं ब्रेन टीचर का स्टार्ट किया हूँ, ठीक है? तो डाटा हैंडलिंग का वर्कशीट 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बट पहले मैं ये अपलोड करूंगा क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे ब्रेन टीचर से चाहिए चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है? तो बहुत जल्दी इसको अपलोड मैं करने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, चलो बाय।